जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर शुरू है। सेना के अनुसार दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में जदूरा गांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। इससे पहले शुक्रवार को भी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे और एक आतंकी ने सरेंडर किया था। इस तरह से सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 7 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार पुलवामा के जदूरा इलाके में देर रात को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए और एक जवान शहीद हुआ। सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार घटनास्थल से आपत्तिजनक सामान और हथियार बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्टल जब्त किया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और इलाके से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी हो रही है। इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कश्मीर के IGP विजय कुमार ने बताया था कि मारे गए आतंकी में सुहैब भी शामिल है, जो सरपंच नासिर की हत्या में शामिल था। इसके पास से सुरक्षा बलों ने 2 AK-47 राइफल और 3 पिस्टल बरामद किए थे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।